सत्येंद्र। सो हाउ आर यू गाइस टुडे? कैसे हैं आप सब? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? से यस, यस यू आर एक्साइटेड, राइट डाउन। थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे आप सब? टेल मी, अच्छे हैं? ओ माय गॉड, सो मेनी यस, सो मेनी यस। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट विद आवर वंडरफुल सेशन टुडे, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो आज के सेशन में हम अमीनो एसिड और प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं। सो अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स एंड प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। एम आई राइट? एम आई राइट? यस और नो? राइट डाउन, यस और नो? Protein are polymers and amino acids are monomers, right? Thank you so much, Rita. Thank you, Preeti. Thank you, Himanshi. Thank you so much. Now let's start with a very wonderful session. Padhai karte hain. Padhai start karne se pehle, the very first thing that you need to do in my session is get your notebooks. Notebooks hai aapke paas? Notebooks hai? Sanaya, tell me, yes or no? Satyavi, yes or no? You people have your notebooks or not? Yes, thank you Navjot, thank you so much. Now I can start with my session, amino acids. Beta, the very first trick for zoology, जो मैंने last session में भी बताई थी, word को split करो और उसका मतलब निकाल लो। रटना तो है ही नहीं कुछ भी, हर चीज को समझना है, ठीक है? तो आज भी मैं वही करने वाली हूँ, इस word को split करने वाली हूँ, right? Amino, chemistry के champions है आप सब, राइट? सब चैंपियंस है केमिस्ट्री के यहां पे। तो अमीनो से आपको क्या पता लगता है? इट कंटेन्स अ अमीनो ग्रुप। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे उनके पास कौन सा ग्रुप हमेशा होगा? अमीनो ग्रुप, ठीक है? द अदर वर्ड एसिड, एसिड से क्या पता लग रहा है? एसिडिक ग्रुप। सो एक अमीन, एक एसिडिक, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड, ठीक है? So, यहां पे एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन मैंने कोट की है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। आया मनीषा समझ में? यस और नो? यस और नो? यू गॉट टू राइट, आपको समझ आना चाहिए बेटा सब कुछ, ठीक है? यस और नो? यस, थैंक यू सो मच। अब आते हैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, अमीनो एसिड्स को। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड सब यहां पे देखेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे सब, रिलैक्स। अब इसको ध्यान से सुनना है सब, दो सेकंड रिलैक्स होके सिर्फ स्क्रीन पर देखेंगे, ओके? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ये है कार्बन, कार्बन को सब जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। कितनी वैलेंसी होती है? चार, ठीक है? एक है एसिडिक ग्रुप, क्योंकि ये था अमीनो एसिड तो ये लगा आपने एसिडिक ग्रुप, ये है अमीनो ग्रुप, NH2 बन गया अमीनो एसिड। H इज कंपल्सरी, H वो हाइड्रोजन है जिसे कोई नहीं हिला सकता, इस H को कोई नहीं हिला सकता। तो तीन चीजें तो फिक्स है अमीनो एसिड में, अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन, इतना हमें याद होना चाहिए, ठीक है? अब आते जरा इसके पास, आर ग्रुप। आर ग्रुप है थोड़ा हटके, हर इंसान होता है थोड़ा अलग, ऐसे हर अमीनो एसिड भी होता है थोड़ा अलग, और वो अलग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट आर ग्रुप, ठीक है? जैसे जैसे आर ग्रुप बदलता जाएगा, नेम और प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की बदलती जाएगी, ठीक है? तो तीन चीजें फिक्स है, कौन कौन सी तीन चीजें फिक्स है? राइट योर आंसर्स राइट नाउ, कौन सी तीन चीजें फिक्स है अमीनो एसिड में? राइट नाउ आई वांट दोज आंसर्स, अभी की अभी। एसिड, अरूबा वंडरफुल आंसर, खुशी ऑसम बेटा ऑसम, खुशी इज डूइंग वंडरफुल, शी इज गिविंग मी द राइट आंसर, वंडरफुल। इस आर ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज, एज वेल एज नाम भी अमीनो एसिड का चेंज हो जाएगा, ठीक है? नाउ आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने मुझे इसका पहले ही जवाब दे दिया है, दे आर रियली स्मार्ट, माय स्टूडेंट्स आर रियली स्मार्ट सिटिंग देयर एंड लिसनिंग टू मी। व्हेन अ कार्बन इज अटैच्ड विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स, व्हाट इज इट कॉल्ड एज?
जब एक कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज माई क्वेश्चन. खुशी हैज गिवन मी द राइट आंसर. स्वाति ने सही जवाब दिया है. दीपक हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर. रंजन हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर. एवरीवन इज गिविंग मी करेक्ट आंसर. ऑसम ऑसम, बिल्कुल सही है बेटा. इट इज कॉल्ड एज काइरल कार्बन. काइरल कार्बन की मैं आपको एक बहुत अच्छी खासियत बताती हूं. जब भी काइरल कार्बन होता है तो इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी. राइट, जहां काइरल कार्बन होगा वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी. राइट, तो क्या मैं कह सकती हूं अमीनो एसिड्स शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? यस और नो? यस और नो? डस दिस अमीनो एसिड्स शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? यस और नो? Answers, wonderful, wonderful, wonderful. सबने yes लिखा. There's not a single student who has written no. Awesome. क्यों है ये optical active? अब देखते हैं इसको. ये carbon था, ये acidic group, ये amino group, ये H, ये R. So this carbon can also be called as chiral carbon. जहां chiral carbon होगा वहां आपको देखने को मिलेगी optical activity. राइट, तो इससे हमें यह पता लगता है कि अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. दे आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव. आई हैव सेड ऑल. यहां ध्यान से सुनना है सबको. ऑल रितम, एम आई राइट? रितम सिंह हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट रितम हैज टोल्ड अस. नीड बॉम्बर. You know that NEET bombers are the most important question जो NEET में आ चुके हैं या आने वाले हैं. इस वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपको पहले ही दे देते हैं. राइट गरिमा? गरिमा इज हियर. सो गुड. ओके, NEET bomber क्या कहता है कि जो ग्लाइसिन है, कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन? मैंने बहुत प्यारा सा एक स्ट्रक्चर ग्लाइसिन यहां पे बनाया है. ये एसिडिक ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, ये एच, इनको कोई नहीं हिला सकता. राइट, इनको कोई नहीं हिला सकता. बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. ट्विस्ट स्टोरी में क्या है कि ग्लाइसिन के पास एक और एच है. एच एच कॉमन. कैन आई कॉल दिस कार्बन एज काइरल कार्बन? कैन आई कॉल दिस कार्बन एज काइरल कार्बन? यस और नो? यस और नो? टेल मी, क्या मैं इस कार्बन को काइरल कार्बन कह सकती हूं? यस और नो? आंसर मी नो. एवरीवन हैज गिवन मी राइट आंसर. इट्स नो. आई कैन नॉट कॉल दिस कार्बन एज काइरल कार्बन. सो ग्लाइसिन, नोटबुक्स में लिखने वाले ये सब, ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. राइट इन योर नोटबुक्स. क्वेश्चन आ चुका है नीट का आपके पास कि ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. राइट खुशी? राइट गरिमा? यस. सो आई हैव रिटन दिस हियर. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस थिंग इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. मैं आपको वो लाइंस ला के देती हूँ एनसीईआरटी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आप क्विक रीडिंग के टाइम पे स्किप कर जाते हैं. राइट, सो सब यहां देखेंगे. On the screens, right here. The physical and chemical properties of amino acid are essentially of amino acid carboxylation or functional group. तो यानी इस amino acid की properties like physical and chemical is decided by three things. तीन चीजों से decide होता है. First, amino, carboxyl group and the R group. ठीक है, तीन डिफरेंट चीजें, दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल. राइट ज्योति, यू हैव रिटन द राइट आंसर. ओके प्रमोद, आई गॉट यू. ओके, सो दिस वाज अ नीट बॉम्बर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. राइट, ओके, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. व्हाट टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं बेस्ड ऑन द आर ग्रुप? एज आई सेड, यहां पर सब देखेंगे. एसिडिक, एक अमीनो एसिड को जिसे हम पहले ही एसिड बोल रहे हैं,
उसमें भी एक एसिड एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जो ऑलरेडी एक एसिड है उसमें भी एक एसिडिक अमीनो एसिड है, तो यानी कि इसमें एसिडिक कंटेंट क्या होगा, ज्यादा, राइट? तो यानी कि इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके अलावा एक और है, इन दो की प्रेजेंस के कारण द नेचर ऑफ अमीनो एसिड बिकम्स एसिडिक। सबको समझ में आ रहा है? से यस। सबको समझ में आ रहा है? राइट, यस। थैंक यू तालिब। देन आर द एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नाम से पता लग रहा है एसिडिक है, अमीनो एसिड है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? बेसिक। नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड बेसिक? दे ऑलरेडी हैव वन NH2। इसके अलावा जब एक और हो जाएगा, सो द ओवरऑल नेचर ऑफ अमीनो एसिड बिकम्स बेसिक, दे बिकम बेसिक। इसका एग्जाम्पल क्या है? हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। देखो बेटा, इस चीज के बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहां पे, बट इस क्वेश्चन से मुझे पता लग जाएगा कितना अटेंटिवली आप मुझे सुन रहे हैं। एक लाइन है एनसीईआरटी की जो बताती है द फंक्शन ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। ऐसे कौन सी पैकेजिंग है बॉडी में जहां पे दो अमीनो एसिड सबसे ज्यादा यूज होते हैं? राइट योर आंसर्स। लाइसिन एंड आर्जिनिन किसकी पैकेजिंग में यूज होते हैं? राइट योर आंसर्स। उन्नति हैज गिवन मी द परफेक्ट आंसर, साक्षी हैज गिवन मी द राइट आंसर, पुष्पेंद्र हैज गिवन मी द राइट आंसर। Amazing, सब बच्चों को आंसर आते हैं। I have the best student sitting there with me. Everyone has given me right answer. Absolutely stunning. So यहाँ पे लिख देते हैं हम, lysine and arginine are used for DNA packaging. एक छोटा सा बहुत ही easy सा सवाल पूछ रही हूँ। DNA का खुद का nature क्या होता है? Acidic या basic? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है कि डीएनए का नेचर एसिडिक होता है या बेसिक। किचन हैज गिवन मी राइट आंसर, एसिडिक होता है। अगर मैं डीएनए की फुल फॉर्म आपको बताऊं, इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम में ही एसिड आ गया भाई। तो डीएनए का खुद का नेचर एसिडिक, तो उसकी पैकेजिंग के लिए क्या यूज होगा? बेसिक। तो इस तरीके से हमें याद करना है चीजों को लिंक करके। आज के बाद कोई बायो रटेगा नहीं, सब समझेंगे और फिर याद करेंगे, राइट? एम आई राइट गाइस? नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रल। न्यूट्रल अमीनो एसिड, ना हम एसिडिक है ना हम बेसिक है, हम हैं न्यूट्रल बंदे। हम किसी को फेवर नहीं करते, बारिश आ रही है आने दो, धूप आ रही है आने दो, हवा चल रही है चलने दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सच अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। थैंक यू नवीन। सो इन्हें कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। आई हैव गिवन सम एग्जांपल हियर, सीरीन। सीरीन इज अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब कि इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा। टायरोसिन ऑल्सो कॉल्ड एज एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक आपको पता है खुशबूदार होता है, खुशबू आती है इससे, ठीक है? सिस्टीन, सिस्टीन इज अ अमीनो एसिड विच कंटेन सल्फर। सो इसमें था OH, इसमें था बेंजीन रिंग, इसमें था सल्फर, ग्लूटामिन एंड थ्रियोनिन। तो ये हैं कुछ आपके एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है नीट के लिए। राम थैंक यू। हमें नीट के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो नीट में पूछा जाता है। सो आज के बाद नो टाइम वेस्ट, हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, तब नीट आपकी मुट्ठी में है। नो वन कैन स्टॉप यू, आई प्रोमिस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, इसके बारे में सबको पता है, essential and non-essential amino acids. Essential, essential का मतलब क्या होता है? ये एक अंग्रेजी शब्द है essential. Essential का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या मतलब होता है? महत्वपूर्ण, ठीक है? यानी कि इनका सेवन करना, हिंदी में बता रही हूं,
इनका सेवन करना, मतलब यू नीड टू टेक देम इन योर डाइट, क्योंकि बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड दे हैव टू बी टेकन आउट इन योर डाइट। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए क्या जरूरी है? डाइट। डाइट से मुझे याद आया, मोमोज कितने बच्चे खा रहे हैं? मोमोज कितने बच्चे खा रहे हैं आजकल? टेल मी, हाउ मेनी आर यू ईटिंग मोमोज? हाँ जी, कितने खा रहे हैं मोमोज? क्विकली टेल मी, बहुत बच्चे खा रहे हैं? नो नो नो, यस यस यस, कितने मोमोज खा रहे हैं? मैं बहुत मोमोज खाती हूँ बेटा, आई ईट लॉट ऑफ मोमोज, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई एम टेलिंग यू। आपके टीचर आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही है मोमोज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। मेरा गला बिल्कुल खराब हो चुका है उसके कारण, ठीक है। सो मोमोज नहीं खाने हैं। सो डाइट हमें अच्छी लेनी है जिसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हो। चिकन वाला, थैंक यू रंजन। नाउ पीपल आर टेलिंग मी फ्लेवर्स ऑल्सो, कोई चिकन वाला खा रहा है, कोई पनीर वाला खा रहा है, कोई वेजिटेबल खा रहा है, राइट? ओके, नाउ हियर आई हैव रिटन डाउन द एंटायर लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड। द वेरी सिंपल ट्रिक इज यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, प्राइवेट टिम हॉल, प्राइवेट टिम हॉल और पीवीटी टिम हॉल, जैसे भी आप पढ़ना चाहे, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। पीवीटी, पी स्टैंड फॉर फिनाइल एलानिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन। अब आई एम टेलिंग यू, नोटबुक्स निकालो और इसमें एक पॉइंट लिखो। Everyone with your notebooks, right now, histidine and arginine are called as semi-essential. जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूं वो सब आपके नोटबुक्स में होना चाहिए। Histidine and arginine are called as semi-essential. Quickly write in your notebooks, सब लिखेंगे। Histidine, arginine are semi-essential. Now, what are this semi-essential? Semi means half. कुछ अमाउंट इसका बॉडी में बन पाता है, कुछ अमाउंट के लिए आपको डाइट से लेना पड़ता है। तो बॉडी बना रही है बट उतना नहीं बना रही जितना बॉडी को चाहिए। सो देर हैज टू बी टू सोर्स फॉर इट, वन द बॉडी इटसेल्फ एंड द वन इज योर डाइट। सो बॉडी इज प्रिपेयरिंग दीज अमीनो एसिड्स नॉट इन इनफ अमाउंट, इट्स अमाउंट इज लेस। तो बाहर से खाना भी जरूरी है, यस और नो? यस और नो, टेल मी एवरीवन, क्विक रिप्लाइज, नो स्लीपिंग, बी एक्टिव, क्विक रिप्लाइज, यस और नो? यस, थैंक यू सो मच। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोस विच आर सिंथेसाइज बाय आर बॉडी, या आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए अगर आप नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो नहीं खाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि बॉडी इन्हें सिंथेसाइज कर पाती है, राइट? सो इट वॉज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ज्वेटरआइनिक फॉर्म, हैव यू सीन दिस इन एनसीईआरटी? सबने देखा इसको एनसीईआरटी में, येस और नो? टेल मी, क्या आपको ऐसी सिंपल सी फिगर एनसीईआरटी में देखने को मिली? यस और नो? यस, कितनों को समझ आई वो? आई या नहीं आई? यस और नो? यस यस यस, वंडरफुल। तो आज हम इस प्यारी सी फिगर को समझने वाले हैं, राइट? सब इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, चिल हो जाओ, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। यहां मैं समझाने वाली हूं आपको एक कॉन्सेप्ट जिससे हो जाएगी ये फिगर 100% क्लियर, राइट? सब देखो इधर, ऑन द बोर्ड, ऑन द स्क्रीन्स, ओके। ज्विटर आयन वो फॉर्म है जिसके अंदर दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो नेट चार्ज कितना है? प्लस माइनस जीरो। सो नेट चार्ज कितना है? जीरो। जब एक अमीनो एसिड पे नेट चार्ज जीरो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लस एंड माइनस,
इट इज कॉल्ड एज ज्विटरआयनिक फॉर्म, राइट? क्यों आता है ज्विटरआयनिक फॉर्म? एक ऐसा पीएच जिस पे आपको ज्विटरआयनिक फॉर्म मिल जाए अमीनो एसिड की, उस पीएच को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. क्या बोलते हैं उसे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, राइट? नेट चार्ज कितना है? जीरो, राइट? जिस पीएच पे नेट चार्ज अमीनो एसिड का जीरो मिल जाए उसे क्या बोलेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो ये तो था अबाउट ज्विटरआयन. नाउ अबाउट दिस एंड दैट फिगर. सब स्क्रीन पे देखेंगे, इधर यहां पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है. तो नेट चार्ज कितना है? पॉजिटिव. अब बेटा देखो इधर, बहुत ध्यान से देखना है. यहां पे पीएच क्या है? लो. मीन्स द पीएच इज एसिडिक. दिस अमीनो एसिड विल ट्राई टू टेक एच प्लस आयन फ्रॉम द एसिडिक सोल्यूशन. जैसे वो एच प्लस आयन अपनी ओर खींचेगा, सो इस पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, राइट? इस पे क्या आ जाएगा? नेट चार्ज पॉजिटिव. इसका खुद का नेचर क्या हो जाएगा? जब वो H+ खुद ले लेता है तो उसका खुद का नेचर क्या हो जाता है? बेसिक. क्या हो जाता है? बेसिक. सो जब pH एसिडिक होगा तो अमीनो एसिड का खुद का नेचर क्या होगा? राइट आंसर, राइट द आंसर. जब pH एसिडिक होगा तब अमीनो एसिड का खुद का नेचर क्या होगा? राइट द आंसर. धीरज हैज गिवन मी राइट आंसर. हीलर हाय. अरुबा, गर्मा, everyone has given me the right answer. Thank you so much. Thank you so much. All are giving me right answer. I'm so happy with my students right now. Very, very happy with you people. अब आते हैं next figure पे. This. यहाँ pH क्या होगा? Basic. More than 7. तो इस time पे net charge क्या है? Negative. Because इसने अपना H plus ion दान में दे दिया है. यहाँ पे H plus ion वो ले रहा था, यहां पे H प्लस आयन वो दे रहा है. तो इसका खुद का नेचर क्या हो गया? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक. तो जब पीएच बेसिक होगा तो अमीनो एसिड का नेचर क्या होगा? एसिडिक. क्या होगा उसका खुद का नेचर? एसिडिक. टेल मी द आंसर. जब पीएच बेसिक होगा तो अमीनो एसिड का खुद का नेचर क्या होगा? आंसर मी राइट नाउ. एसिडिक. एब्सोल्यूटली करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट. मनीषा हैज गिवन मी द राइट आंसर. खुशी, अमेजिंग बेटा, आई एम रियली हैप्पी. खुशी बार्श ने, साधना, अमेजिंग रिस्पॉन्स. सब ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया. आई एम सो हैप्पी विद यू गाइस, सो हैप्पी. सो क्या हमें ज्विटरआयनिक फॉर्म समझ में आ गया है? क्या हमको ये समझ में आ गया है? येस और नो, येस और नो. आज के बाद इस चीज में हम कोई गलती करेंगे? नहीं. अगर हमें समझ में आया तो आज के बाद हम इस चीज में गलती नहीं करेंगे. सबको क्लियर है? येस और नो. क्लास तभी आगे जाएगी जब सब येस लिखेंगे यहां पे. हाँ जी, सबको क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अब हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं. नीट बॉम्बर यानी नोटबुक्स में लिखने का टाइम आ चुका है. आराम का टाइम खत्म हो चुका है, राइट? ये एक लाइन लिखी है मैंने. पहले एम्स होता था, इस साल से एम्स नहीं रहा. चल बसा हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो पहले एम्स में असर्शन रीजन आता था. असर्शन का वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट स्टेटमेंट, यू नो, हॉटेस्ट स्टेटमेंट क्या था? इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस. यस और नो? यस और नो. क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? मान लो अगर आ गया नीट में एज स्टेटमेंट ए, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस. यस और नो? यस. कैसे यस है? द स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. क्यों? क्योंकि जस्ट अभी हमने ज्विटरआयनिक फॉर्म पढ़ा. ज्विटरआयनिक फॉर्म में हमने क्या पढ़ा? जैसे हम पीएच चेंज करते हैं नेचर ऑफ अमीनो एसिड ऑल्सो चेंजेस. तो ज्विटरआयनिक कॉन्सेप्ट पे हमने ये स्टेटमेंट कोट किया है. अब एनसीईआरटी की लाइन सबको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट? सबको क्लियर है? थैंक यू सो मच प्रमोद, थैंक यू. सीरियसली मनीषा, थैंक यू.
ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन्स. अच्छा बेटा, आई एम आस्किंग अ वेरी जनरल क्वेश्चन. कितने बच्चे जिम जाते हैं? हाउ मेनी यू गो टू जिम? मैं नहीं जाती, आई डोंट गो टू जिम. दिख रहा है हट्टे कट्टे हैं भाई हम तो. कितने बच्चे जिम जाते हैं? यस और नो. हाउ मेनी ऑफ यू गो टू जिम? नो, खुशी नहीं जाती. मैक्सिमम स्टूडेंट डजंट गो टू जिम. गुड, नेचुरल एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, राइट? या गुड, मेरे सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आई कैन सी दैट, दैट्स अमेजिंग. ओके, तो जिम मैंने क्यों बोला? क्योंकि जिम वाले लोग अक्सर क्या खाते हैं, पढ़ पा रहे हैं हम? प्रोटीन. अक्सर जिम में जो लोग जाते हैं वो क्या कहते हैं? प्रोटीन. क्या बनाने के लिए? मसल्स. क्या बनाने के लिए? मसल्स. सो प्रोटीन, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी. आपके बॉडी का निर्माण जो करता है उन्हें कहते हैं प्रोटीन, राइट? तो अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो पाएगी, ठीक है? तो आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटीन, राइट? नाउ दे आर पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? अगेन स्प्रेड द वर्ड, द सिंपलेस्ट ट्रिक, जब भी अटक जाओ एग्जाम में, रिलैक्स करो और स्प्लिट करो वर्ड को, ठीक है? पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड्स दीज आर बॉन्ड्स. तो यानी प्रोटीन्स वो पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी बॉन्ड्स होती हैं, और उन बॉन्ड्स का नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स, राइट? हेट्रोपॉलीमर्स, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से बता रही हूं, अगर एक चेन के अंदर सिर्फ गरिमा मैम है तो उसे बोलेंगे होमो. अगर गरिमा मैम के अलावा कोई और भी है तो उसे बोलेंगे हेट्रो. तो यहां पे जो चेन है वो होमो या हेट्रो? हेट्रोपॉलीमर. क्यों है ये हेट्रोपॉलीमर? क्योंकि चेन सिर्फ एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड से नहीं बनी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बनी होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं हेट्रोपॉलीमर्स, ठीक है? क्या कहते हैं इन्हें? हेट्रोपॉलीमर्स, राइट? प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड इन एसिड एंड सॉल्युबल फ्रैक्शन, यू नो दिस, ठीक है? इसका साइज बड़ा होता है तो ये छानना यानी सीविंग की प्रोसेस में ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन. नाउ बेटा नोटबुक्स, राइट दिस टू पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. आई एम गिविंग यू डायरेक्ट क्वेश्चंस हियर. सबसे अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर कौन है? रुबिस्को. रुबिस्को कहां मिलता है? एनिमल या प्लांट्स? आंसर्स, आई वॉन्ट द आंसर्स. रुबिस्को कहां मिलता है? एनिमल्स और प्लांट्स? एनिमल्स और प्लांट्स, टेल मी क्विकली. हमें रुबिस्को कहां मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स? टेल मी क्विक आंसर्स. आई वॉन्ट क्विक आंसर्स. यस, मोर आंसर्स, मोर आंसर्स, मोर आंसर्स. यस, प्लांट्स, एब्सोल्यूटली करेक्ट. नाउ अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम क्या होता है? कोलाजन. क्या नाम होता है? कोलाजन. तो ये हो गया आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ नीट, राइट? अब हम पढ़ने वाले अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की चार क्लासिफिकेशन है, द सिंपलेस्ट बीइंग प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, ठीक है? बहुत अमेजिंग क्वेश्चन अभी मैं आपको देने वाली हूं, तो इसे ध्यान से सुनेंगे सब, सब चिल होके सुनेंगे. आई एम गोना गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये एक सिंपल चेन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. चेन बनती कैसे है? ये आपका अमीनो एसिड नंबर वन, दिस इज योर फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज योर सेकेंड अमीनो एसिड. इसका OH, इसका H, दोनों को मिला के बाहर क्या निकाला हमने? H2O. तो जो बाद में बचा वो बनी आपकी पेप्टाइड बॉन्ड, यानी दो अमीनो एसिड पानी बाहर निकलने से क्या बना लेते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. सबको समझ आ रहा है? यस और नो, क्विकली टेल मी, यस और नो. सबको क्लियर है ये? यस और नो, टेल मी. यस सुगन्या, यस खुशी, टेल मी, यस और नो, यस
Yes, yes, yes. Quickly, more answers. Yes. Okay. So this is how a peptide bond is formed between two amino acid. ऐसे bond बनती जाएगी और एक लंबी सी chain बनती जाएगी जिसे हम बोलेंगे primary structure. कितने जानते हैं इसको? How many of you are aware of this picture? I've written here master सवाल. नीट में अगर ये पिक्चर आ गया तो इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. आई एम गारंटिंग यू दिस, 100% गारंटी है. एनसीईआरटी में देखा है सबने? आर यू फेमिलियर विद दिस पिक्चर, येस और नो? सबने देखा है? 2013 के एडिशन से पुराने वाली एनसीईआरटी में दिस पिक्चर इज गिवन. द न्यू एनसीईआरटी डजंट हैव दिस पिक्चर. सो टेल मी, येस और नो, क्विकली. येस, 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 एब्सोल्यूटली करेक्ट. तो अब हम देखने वाले हैं द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पिक्चर. आई एम टेलिंग यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. चेन में पहला अमीनो एसिड वो होगा जिसके पास एन टर्मिनल है. यानी चेन के दो टर्मिनल हैं, एक एन टर्मिनल, एक सी टर्मिनल. ठीक है, जो एन टर्मिनल वाला है वहां से काउंटिंग आपने शुरू करनी है. दैट विल बी अमीनो एसिड वन. जो सी टर्मिनल वाला है दैट इज योर लास्ट अमीनो एसिड. राइट, सबको समझ में आया? यस और नो? टेल मी, यस और नो? यस, टेल मी. किशन, कम ऑन, यस और नो? टेल मी. पहला इज एन टर्मिनल वाला, लास्ट इज सी टर्मिनल वाला. ठीक है, ओके. बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर वन, नेम द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ चेन. आई वॉन्ट द आंसर ऑन द स्क्रीन. इस चेन में पहला अमीनो एसिड कौन सा है? विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड इन द चेन? टेल मी. ये एन टर्मिनल है, यू कैन सी यहां पे एन फ्री है. ये आपका है सी टर्मिनल, विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ द चेन. नेहा इज गिवन मी द करेक्ट आंसर. Kishan has given me the right answer. It is serine. Kya answer hai iska? Serine. Okay, name the last amino acid of the chain. This is C terminal. What is your answer? Answer me quickly. Which is the last amino acid of the chain? Tell me. Pramod, tell me. Which is the last amino acid of the chain? Glutamic acid. Absolutely correct. The answer of the last amino acid is glutamic acid. Yahan pe I can just make this symbol E. Name the sulfur containing amino acid. Yahan pe sulfur hume kis mein dikh raha hai? Cysteine. So answer is C. Name the alcohol containing amino acid. The answer is serine. Okay. It is serine. Aromatic amino acid. Benzene ring किसके अंदर दिख रही है? इनमें से benzene ring किसके अंदर दिख रही है? Tell me. Benzene ring. Quickly, tell me. किसके अंदर दिख रही है benzene ring? Tyrosine. Correct answer. How many peptide linkages are present? 1, 2, 3. अगर चार अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड लिंकेज कितनी होगी? अगर चार अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड लिंकेज कितनी होगी? 3. एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. एवरीवन इज गिविंग मी ऑल द करेक्ट आंसर. इतने अच्छे बच्चे हैं, सबको सब कुछ समझ आ रहा है. थैंक यू सो मच. सो आंसर इज 3. सबने लिखा नोटबुक्स में? यस और नो? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? Is this question clear to everyone? Yes or no? Yes or no? Yes? Thank you, Khushi. Thank you, Nazneen. Thank you. Okay. Now next. Neat Bomber. Neat Bomber kya kehta hai? वही चीज जो मैंने जस्ट आपको बताई. फर्स्ट अमीनो एसिड इज एन टर्मिनल, लास्ट अमीनो एसिड इज सी टर्मिनल. इज इट क्लियर? रंजन, इज इट क्लियर? यस और नो? यस, ओके.
नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, कितनों ने वो घूमती हुई सीढ़ी देखी है? कितनों ने घूमती हुई सीढ़ी देखी है? कितनों ने? सबने देखी है वो घूमती हुई सीढ़ी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. क्या बोलते हो उसे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. नाउ आई एम गिविंग यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. सब अपनी नोटबुक्स में लिखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनके पास पेप्टाइड बॉन्ड है. देखो बेटा, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, उसे तो कोई हिला नहीं सकता. बट दे आर सेकेंडरी बिकॉज दे हैव एडिशनल बॉन्ड. दैट एडिशनल बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या बोलते हो उसे? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपसे बॉन्ड पूछूं, सो इट इज ओनली पेप्टाइड लिंकेज. अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपसे बॉन्ड पूछूं, सो इट हैज गॉट टू लिंकेज, पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन के कारण द स्ट्रक्चर बिकम्स अ हेलिक्स लाइक अ स्टेयरकेस एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. हेंस दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. राइट? सबको क्लियर है? यस और नो? टेल मी. हाँ हाँ, बिल्कुल सही है समिया, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही लिखा आपने. सो गुड, आई एम सो हैप्पी विद यू गाइस. नाउ आफ्टर सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर. कैन यू सी दिस? कितना ब्यूटीफुल लग रहा है? राइट, ब्यूटीफुल है. और क्या क्या ब्यूटीफुल है? व्हाट डू यू फाइंड ब्यूटीफुल? और क्या क्या ब्यूटीफुल लग रहा है? ये भी सुंदर है. और क्या सुंदर है? हाँ जी, गरिमा, नजनीन, ओ थैंक यू विश्वेश, थैंक यू सो मच. हाँ जी, आप लोग भी, आई बिलीव बहुत सुंदर हैं आप लोग भी. तो आओ इस ब्यूटी के बारे में आज बात करते हैं, जिसका नाम है टर्शरी स्ट्रक्चर. टर्शरी स्ट्रक्चर इज अ वुलन बॉल. वुलन बॉल क्या होती है? वो ऊन होती है ना, दादी माँ एक स्वेटर बनाती रहती हैं, उस ऊन का नाम है, उस ऊन जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर. दिस इज अ मोस्ट नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. सबसे स्टेबल है बेटा. देखो सिंपल सा रूल है, जो स्टेबल होगा वही काम करेगा. दिस बिकम्स अ मोस्ट स्टेबल, इसलिए सबसे ज्यादा काम करेगा. सबसे स्टेबल क्यों है? ऑन द बोर्ड सब देखेंगे. सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है मैम बताने वाली अभी? क्योंकि इसके पास है पेप्टाइड बॉन्ड, इसके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके पास है आयोनिक बॉन्ड्स, इसके पास है और कौन सी बॉन्ड्स होती है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो? टेल मी. सल्फर बॉन्ड. थैंक यू चीनू. सल्फर बॉन्ड और आई कुड से डाइसल्फाइड, बेटर वन. तो इतनी सारी बॉन्ड्स हैं तो स्ट्रक्चर हो जाता है स्टेबल. स्टेबल होने के कारण इसकी वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाती है? मैक्सिमम. इसलिए टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. नाउ दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन. राइट? सबने नोट किया? यस और नो? सबने नोट किया? थैंक यू सो मच. नाउ नेक्स्ट, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बस हमें एक एग्जाम्पल पढ़ना है, हीमोग्लोबिन. बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल ना करते हुए उतना कर रहे हैं जो नीट के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है? सो सब यहां देखेंगे हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑल्सो कॉल्ड एज HB. इट हैज गॉट टू पार्ट्स, हीम एंड ग्लोबिन. हीम इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट. इस प्रोटीन पार्ट में चार लिंकेजेस होती हैं, चार चेन्स होती हैं, दो अल्फा दो बीटा. यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पे पिक्चर सबको दिख रही है? पिक्चर इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है फरीन. ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा. तो चार चेन्स आपस में आके ज्वाइन कर लेती है टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. कॉल्ड एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? व्हाट डज हीमोग्लोबिन कैरी? आंसर, गिव मी द आंसर.
What does hemoglobin carry? Hemoglobin क्या carry करता है? Answer. Give me the answer. Give me the answer. Oxygen? Yes. Bhavani? Right. Bhavani, sorry. Bhavani, bilkul correct. Oh, there are so many answers pouring in. Thank you so much. Thank you. Okay, तो यानी सबको क्लियर है क्वार्टेनरी? सबको क्लियर है ये? Now, this is the last part of the protein and their function. ये बिल्कुल NCERT की टेबल है, as you can see. Their function, collagen intercellular ground substance. Collagen बहुत जरूरी है आपके connective tissue के लिए. Trypsin आपको पता है, it's an enzyme which digests protein. Insulin is a hormone. Insulin blood में sugar का level कम करता है. Right or wrong? Insulin blood में इस sugar का level को कम करता है. Right or wrong? Sarfaraz, absolutely correct. I'll come to that. हाँ जी, hypoglycemic, absolutely right. बिल्कुल सही answer है. I'm so happy with your answers. Antibody, सुरक्षा. Life boy है जहां, तंदुरुस्ती है वहां. Right? तो वही antibody ऐसे हमारी body के अंदर होता है. Antibody fights with the antigen और pathogen जो आपकी body को बचा के रखता है from infections. ठीक है? So अगर immunity अच्छी करनी है तो protein खाना बहुत जरूरी है. Goal hunter, I missed you. Seriously, goal hunter, today I missed you. Time से आना चाहिए था बिल्कुल. Very bad. हाँ जी, receptor. Now, these protein can also act as receptors, okay? GLUT4 or GLUT4, जो भी आप बोलना चाहें. NEET का question. इस साल के NEET का question, GLUT4. सबको लगा बाहर से आया है. But NCERT ने छुपा के रखा हुआ था इसको. तो कुछ भी question NEET में NCERT से बाहर नहीं आता है. तो NCERT को पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है? GLUT4 enables glucose transport into cell. अगर GLUT4 है तो sugar blood से सीधा cells के अंदर भरनी शुरू हो जाएगी. So GLUT4 helps to absorb maximum amount of sugar from blood. ठीक है? So this is how you have to prepare for NEET examination.